जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में अब हम ध्यान को आरंभ करते हैं। आपको तो पता ही है आज का जो विषय है तीन महामंत्र, इसके बारे में आगे तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन बंधन लेने के बाद हम ध्यान शुरू करने के पहले हम तीन महामंत्र आज प्रथम एक बार सुनेंगे और आपको स्क्रीन पर उसका सबटाइटलिंग भी दिखेगा, आप देख के भी बोल सकते हैं और फिर ध्यान अवस्था में हम जाएंगे। तो प्रथम दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। सर को जब हम आगे झुकाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम हमारा अहंकार और प्रत्यहंकार सब कुछ छोड़ देते हैं, समर्पित करते हैं। और परमात्मा की शक्ति, ये सबसे बड़ी महान शक्ति है, वही सब कुछ करती है। ऐसा अर्थ जब हम सर झुकाते हैं तब हमारे अंदर घटित होना जरूरी है। कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं। अब हम स्क्रीन की ओर देखेंगे और प्रथम हम तीन महामंत्र का और तत्पश्चात श्री गणेश जी का भी मंत्र का पठन एक बार कर लेते हैं और फिर हम संतुलन और ध्यान करते हैं। श्री
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों आंख बंद करके हमें अभी अंतर्मुख होना है। संतुलन अवस्था के लिए अपना राइट हैंड धरणी मां की ओर रखते हुए पूर्ण हृदय से प्रार्थना करनी है। हे कुंडलिनी माते, कृपावंत होकर हमारे ईड़ा नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। जो परमात्मा की इच्छा, वही हमारी इच्छा। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। हे कुंडलिनी माते, रूपावंत होकर हमारे पिंगला नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था की अनुभूति प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध हो जाए। जो कार्य आपकी इच्छा अनुसार है, वही कार्य आप हमसे करवा लीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में रखें, दोनों हथेली और तालू पर ध्यान दीजिए और एक बार देख लीजिए कि क्या मेरे विचार कम हुए या नहीं, क्या मुझे संतुलन अवस्था की अनुभूति हो रही है या नहीं। परम पूज्य श्री माता जी, हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। हम सभी को मध्य नाड़ी पर स्थित करें। अभी भी विचार आते होंगे तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। हम और क्षम हम मन में बोलेंगे। हम क्षम, हम क्षम। मन में अभी भी दोषी भाव लगता हो तो आप कह सकते हैं, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं।
क्योंकि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। श्री माता जी की कृपा में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसी निर्विचार अवस्था में अब हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तत्पश्चात परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता। यह सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, ना ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजते हैं। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां उनको चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ, एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा, आज इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे
प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते या उसको आप बढ़ा सकते, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती, इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करें। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्त सदी का कभी अगर पाठ करें और उनका यह भवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किसे करवाया, तो कहेंगे कि हमने सात ब्राह्मणों को बुलाया था क्या, पर वो ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी तुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार सबको नहीं है, अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम देती है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें, तो सारे संसार जो ये चैतन्य बह रहा है ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज, इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अभी शक्ति न लगाएं, आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई, सो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप में।
जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसी, अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां हैं, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्प धारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है, उसकी क्या वजह? एक बार यही जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गए, स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती। दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करा के हमें संतुलन अवस्था प्रदान की, आपकी अमृतवाणी से हमें बहुमूल्य ऐसा मार्गदर्शन किया, इसीलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। इसी अवस्था को कायम बनाते हुए धीरे धीरे अब हम आँख खोलते हैं। तो ये था सहयोग ध्यान। अब चलते हैं जो आज का विषय है, तीन महामंत्र। अभी ध्यान शुरू होने के पहले हमने वो तीन महामंत्र को नए साधकों ने प्रथमता ही आज उसे सुना होगा, देखा होगा, तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं और फिर वापस इन तीन महामंत्रों को हम दोहराते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो मंत्र ये बहुत सारे अलग अलग मंत्र होते हैं, और पहले हमारे वेदों में या हमारे जीवन में भी बहुत बार ये अलग अलग मंत्र सिखाए गए थे। अब ये मंत्र क्यों थे? क्योंकि उनका जो उच्चारण जब हम करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस शब्दों की, उसकी जो लय होती है मंत्रों की, वो डायरेक्ट आपके सिस्टम पर, आपके ऑरा पर या आपके चक्र का जो भी एनर्जी है उसको ठीक करने में, संतुलित करने में मदद करती है। जैसे कि अभी समझो राइट साइड सूर्य नाड़ी है, अब उसको शांत करना है। सूर्य नाड़ी ज़्यादा बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई तो हीट बढ़ जाएगी, तो चंद्रमा का मंत्र लिया जाता है, यानी ऑपोजिट। इसीलिए पहले के गुरु लोग भाई आप में कौन सी चक्र की कमी है, इसलिए वो मंत्र देते थे। अब क्या हुआ, परम पूज्य श्री माता जी ने जब सहयोग शुरू कर दिया
और अभी तक जितने भी हम ऋषि मुनि लोग या सब लोग जो साधक थे ढूंढ रहे थे कि हमारे अंदर की शक्ति जागृत होकर हमारा कनेक्शन, हमारा योग घटित होना, इसके लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब ये जागृति की प्रोसेस होने के बाद श्री माता जी ने 1970 में ये सब शुरू कर दिया, तब ये जो कुंडलिनी माता है, जो शक्ति है, इनको हम उद्देश्य करके, उनको हम आवाहन करते हैं कि आप जागृत होकर हमारा ये कनेक्शन करवा दीजिए। तो उसमें ये सारा तीन महामंत्रों में ये सारा वर्णन बिठाया है, ठीक है। तो परम पूज्य श्री माता जी ने तुरंत ये तीन महामंत्र इस कुंडलिनी को, ये आदि माया आदि शक्ति है ना, तीन नाड़ियाँ जो है वो एक्टिवेट होकर फिर शक्ति ऊपर आते ना, इसको लेकर ये जो फॉर्मूला हम बोलेंगे, ये फॉर्मूला है शक्ति एक्टिवेट होकर आपका ध्यान के प्रोसेस में आप शुरू हो जाते हो, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं ये तीन महामंत्र क्या है। तो प्रथम हमने देखा था ओम त्वमेव साक्षात। अभी ओम जो ये शब्द है, ये ओम तो आपको पता है, ओमकार है ना, यूनिवर्सल साउंड बोलते हैं उसको। ओम जो बना है अकार उकार और मकार से, अ उम है ना। कौन सा भी आप पवित्र ग्रंथ देखिए, उसकी शुरुआत ओम से होती है। ज्ञानेश्वर जी का देखिए, ओम नमो जी आद्या है ना। तो ओम जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों समय ऐसे जो जिनकी शक्तियां हैं उनको पहले वंदन करके ओम कहते हैं। अब उसके आगे है शब्द है त्वमेव साक्षात। त्वमेव यानी आप, यानी श्री माता जी कहते हैं कि ये आप किसको उद्देश्य कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो कुंडलिनी माता है, जो देवी माँ का अंश है हमारे अंदर, और देवता का अंश आप बोलेंगे परम आत्मा का, आत्मा ये अंश है जो हृदय में है ना। तो त्वमेव साक्षात का मतलब दो तरीके से होगा कि त्वमेव यानी कुंडलिनी माता, और त्वमेव माता इसको जिसने एक्टिवेट किया, जिन्होंने हमको ये सिखाया, हमारे अंदर जागृत किया, ऐसे सामने जो बैठे हैं परम पूज्य श्री माता जी, उनको भी उद्देश्य करके हम ये बोलते हैं है ना, कि आपके कारण हमारे अंदर ये सब जागृत हो गया, इसलिए आप ही साक्षात हो। जैसे कि कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा एक दोहा था कि पूछा गया कि परमात्मा और आपके गुरु दोनों एक साथ आ गए आपके सामने, तो पहला प्रणाम किसको करेंगे। तो कबीरदास जी ने कहा गुरु को करूँगा, क्योंकि गुरु ने परमात्मा से मिलाया। इसलिए हम ये त्वमेव साक्षात जब बोलेंगे तब हम श्री माता जी को भी उद्देश्य करते हुए बोलेंगे। चलिए ओम त्वमेव साक्षात क्या हो, साक्षात है ना। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात, ठीक है। तो ये तीन जो है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली है ना, ये तीन और आधा पीठ जो वनिका होता है, नासिक वनिका, ये साढ़े तीन पीठों का मिलके जो शक्ति है कुंडलिनी माता, और जो तीन नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, लेफ्ट महाकाली राइट महासरस्वती और बीच वाली महालक्ष्मी माता, तो ये तीनों का नाम लेते हुए है ना, त्रिगुणात्मिका, जो तीन गुण है सत्व रजतम, ये तीनों गुणों से युक्त ऐसे है ना, ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। एक बार वो मंत्र लगाएंगे का, यानी सबको देख भी सकते हैं। हाँ, पॉज करके लगाइए, यानी सब पढ़ भी सकेंगे है ना। कुंडलिनी साक्षात उसके आगे है। तो कुंडलिनी जो साढ़े तीन पीठों वाली कुंडलिनी है, उनको उद्देश्य करते हुए देखिए, ये हो गया ओम त्वमेव साक्षात, जिसका अर्थ हमने देखा है। अब क्या हो साक्षात, तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये तीन देवियां जो हमारे तीन नाड़ियों पर है,
त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों से युक्त ऐसी कुंडलिनी माता, जो कुंडलिनी साक्षात है, जिसके तंतु हमारे अंदर श्री माता जी के कारण जागृत हुए, और ये तीनों जो है ये आद्य शक्ति है, आदि शक्ति है। सबसे शुरू में से जो है देवियां, ये ऐसे आदि शक्ति, सबका स्रोत, सबकी जननी, ऐसे श्री माता जी को, ऐसे कुंडलिनी माता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा हुआ ये पहले तीन महामंत्रों में से पहले का अर्थ। दूसरा है वापिस सेम शुरुआते ओम त्वमेव साक्षात्। उसके आगे है श्री कल्कि साक्षात्। अभी का युग जो चालू है कलयुग है, और उसकी देवता है कल्कि। और ऐसे जो आदि शक्ति श्री माता जी है, ऐसे जो आदि शक्ति की जो शक्ति है, ऐसे को हम प्रणाम करते हैं। तो ये हो गया दूसरा महामंत्र। अब जो तीसरा महामंत्र है वो भी शुरुआत वैसी है, ओम त्वमेव साक्षात्, श्री कल्कि साक्षात्। दूसरे महामंत्र का ही वो है कल्कि साक्षात्। अब इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो सहस्रार स्वामिनी, जो हमारा सहस्रार चक्र यानी कौन सा, तालु वाला चक्र, बराबर है। जो अभी तक के योगी लोग ये आज्ञा चक्र तक ध्यान करते थे, उसके आगे का जो सातवां चक्र है वो सहस्रार है। और वो अभी जिन्होंने खोला, ऐसे श्री माता जी, ये जिन्होंने कुंडलिनी माता को जागृत करके सारे वो बराबर तालु पर लाकर वहां से ब्रह्मरंध्र से हमारा योग घटित किया, ऐसे जो सहस्रार के स्वामिनी है, जो हमें मुक्ति दिलाते हैं। मुक्ति यानी कौन सी मुक्ति, यानी मोक्ष, जो अहंकार प्रति अहंकार है, कल के विचार है या भविष्य के विचार है, सुख है या दुख है, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व के बीच में हम अटक जाते हैं, इनसे जब हम परे हो जाते हैं यानी ऑटोमेटिक हम मुक्त हो जाते हैं, उसको हमने मोक्ष बोला है। और ऐसे मोक्ष के अनुभूति देने वाले श्री माता जी, उनको हमारा प्रणाम। तो ऐसे ये हो गए तीन महामंत्र। और उसके बाद में हमने श्री गणेश जी का मंत्र लिया था। तो अभी ये आगे की जो मंत्र है उसमें का जो श्री गणेश जी का मंत्र है वो भी देखिए कैसे, ओम त्वमेव साक्षात, श्री गणेश साक्षात। और आगे का जो मंत्र है वो कॉमन रहेगा सारे मंत्रों में, श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है, अभी इसमें अभी तक हमने आपको जैसे कि मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी का स्थान है, तो जब वो चक्रों को एक्टिवेट करना है तो ये मंत्र का फॉर्मूला सेम रहेगा, ओम त्वमेव साक्षात श्री, फिर बीच में श्री, अभी समझो मूलाधार के गणेश जी है तो गणेश साक्षात, और आगे श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, ये कॉमन रहेगा। तो आज सिर्फ हम गणेश जी का ही मंत्र तक देखेंगे, लेकिन ये तीन महामंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे के सारे सत्रों में हम तीन महामंत्र ये सत्र के पहले हम हमेशा लिया करेंगे। तो चलिए एक बार सिर्फ ये तीन महामंत्र और गणेश मंत्र आप भी बोलेंगे, हम वैसे के वैसे वीडियो अभी लगाएंगे और उसी आवाज़ और उसी टोन को लेकर हम तीन महामंत्रों का एक बार पठन करते हैं। दोनों हाथ खुले रखिए और स्क्रीन पर देखिए, जो पहले ही बार देख रहे हैं वो स्क्रीन पर सबटाइटल देख के आप बोल सकते हैं। महाकाल
त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला ध्येय कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हथेली और तालू पर क्या महसूस हो रहा है उसकी ओर ध्यान दें। पहले से ज्यादा संतुलन, आनंद और चैतन्य की अनुभूति बढ़ गई है क्या, वो देखना है। तीन महामंत्रों का उच्चारण करने के बाद हमारे अवस्था में क्या बदल हो रहा है वो देखिए। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करें। तो ये थे तीन महामंत्र, द ग्रेट मंत्रास। तो आप, आशा है कि आप सभी को इसके बारे में समझ में आया हो। आज से हम ये तीन महामंत्रों को डेली सुबह ध्यान के पहले और ध्यान के बाद आप ले सकते हैं। सत्र शुरू होने के पहले भी कल से हम कुंडलिनी शक्ति बांधने के बाद तीन महामंत्र और गणेश मंत्र लिया करेंगे और फिर हम संतुलन की ओर चलेंगे। तो इसके आगे के सारे सत्र अब तीन महामंत्रों से शुरुआत होगी। तो आज का विषय ये था तीन महामंत्र। आप सभी लोग श्री माता जी को वंदन करें, कुंडलिनी उठाकर बंधन ले। मिलते हैं आगे के सत्र में, तब तक सभी को जय श्री माता जी।